बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेंथ बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर है आज 22। टॉपिक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स जो हमने डिस्कस किए उसमें आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा। ब्रेन का ये पार्ट जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, मीडियल ऑफ नगेटा, इसकी एक्सटेंशन अगर हम देख लें, ये ऐसे बढ़ता हुआ हिस्सा जो कि स्टेम ऑफ ब्रेन से यही हिस्सा है, यहाँ से शुरू होते हुए लोअर बैक तक जाता है, इसी हिस्से को हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली होता क्या है, ये बंडल ऑफ नर्व्स होता है, यानी कि नर्व्स के ये बंडल्स होते हैं और ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये भी कवर होता है, जिस तरह आपने ब्रेन में वर्ड पढ़ा था मैनेजेस, इसमें ये कि वो ये परत होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं जो इसे कवर करते हैं, इसी तरह इसे भी कवर करने के लिए मैनेजेस होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम जो है सराउंड करता है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड, ये जिसे हम मोहरे या रीढ़ की हड्डी का नाम दे सकते हैं। अब हम बात करें कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ये वाज़े तौर पर दो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, अगर देखें गौर से, एक ये ग्रे कलर और एक ये वाइट कलर का मैटर आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। जो ये वाइट कलर का है मैटर है, ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। यहाँ पे ये मैटर जो है किसका बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड का ये मैटर, ये जो हिस्सा है ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स का बना होता है, और ये जो ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये होता है न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज जो होती हैं उनका बना होता है सेल बॉडीज। तो ये बटरफ्लाई शेप का अलग बात और इसकी। अब हम बात करें कि इससे जो ये नर्व्स निकलती हैं कितने पेयर निकलते हैं, कहते हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज अलॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड, 31 पेयर निकलते हैं, एक पेयर की यहाँ पे बात कर रहा है। अब ये जो आपको रूट्स नज़र आ रही हैं, दो रूट्स होती हैं यहाँ से, एक को डॉर्सल रूट्स और एक वेंट्रल रूट्स कहते हैं। डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर आकर ये क्या बनाती हैं, मिक्सड स्पाइनल नर्व बनाती हैं, ये आपस में आकर मिलने के बाद मिक्स स्पाइनल नर्व बनाते हैं। इसके अलावा वो बात कर रहा है हमारे सामने, देखें, डॉर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी एक्सॉन्स एंड गैंग्लियन, ये डॉर्सल रूट की बात कर रहा है, ये बता, इसमें सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और दूसरा एक और उसने ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनाई हुई, इसे हम गैंग्लियन का नाम देते हैं। गैंग्लियन क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की सेल बॉडी की कलेक्शन। जो ये वाला आपको ब्लू कलर में इसने बता दिया, ये वेंट्रल रूट्स हैं, कंटेन एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं और यही फिर आपस में क्या बनाते हैं, मिक्स्ड नर्व्स बनते हैं। अब हम बात करें कि इसका फंक्शन क्या होगा इस स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे दो फंक्शन हैं, बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर इसका लिखना होता है कि राइट टू फंक्शन या गिव टू फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट है, इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान लिंक का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू। दूसरा फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट एज कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस, कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस जो फॉरन एक्शन होने होते हैं उसके काम के लिए भी ये काम करता है। तो ये था कुछ फंक्शंस के लिहाज से और इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से डायग्राम आपने बनानी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।